नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा HSS अपने YouTube चैनल स्पीड टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के हमारे शार्ट आउट सब्सक्राइबर जो हैं उनका नाम है श्री सुंदरलाल जी। उन्होंने हमारा प्राइमरी प्लान ज्वाइन करके हमारे यूट्यूब चैनल की प्रशंसा की है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और मैं सुंदरलाल जी आपको वीडियो के माध्यम से हमारे मेंबर बनने पर आपको बधाई देता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों, आज की वीडियो हरियाणा स्टेट अकाउंट सर्विसेज एग्ज़ाम अर्थात SAS एग्ज़ाम, जिसकी आप सब लोगों को इंतज़ार थी, ऑर्डिनरी ब्रांच का वो होने जा रहा है। हरियाणा सरकार ने निर्णय ले लिया है, उसका लेटर डायरेक्टर ट्रेजरी एंड अकाउंट हरियाणा ने डायरेक्टर जनरल हिप्पा को गुरुग्राम को भेज दिया है। दिनांक 8/8/2022 को अभी मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ लेटर। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि आप तैयारी कीजिए एग्ज़ाम की, प्रेफरेबली September 2022 में करवाया जाना चाहिए। लेकिन अभी ये डेट निश्चित नहीं है, हरियाणा सरकार की तरफ से भी निश्चित नहीं है और ना ही हिप्पा की तरफ से निश्चित है। हरियाणा सरकार ने हिप्पा को रिक्वेस्ट की है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और ये एग्ज़ाम मैं आपको बता दूं, पूरा SAS का नहीं होगा, अर्थात Part 1 और Part 2 इकट्ठा नहीं होगा। इसमें अभी Part 1 के जो कैंडिडेट हैं, जिन्होंने एप्लीकेशन भेजी हुई हैं, उनको अभी और इंतज़ार करना होगा। ये एग्ज़ाम जो September 2022 में लिया जाने की संभावना है, वो केवल और केवल SAS Part 2 का एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसकी 107 एप्लीकेशन पहुंच चुकी थी सरकार के पास पहले जब आपने भेजी थी। केवल उन 107 एप्लीकेशनों के कैंडिडेट्स का ही एग्ज़ाम होगा, यदि सितंबर में हुआ तो। संभावनाएं हैं लेकिन इसकी कोई निश्चितता नहीं है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने अपने लेटर में बताया है, सारी डिटेल दी है, वो आप देखिए आप अपने स्क्रीन पे। मैं आपको स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे लेटर ओरिजिनल दिखा रहा हूँ जो डायरेक्टर ट्रेजरी अकाउंट ने हिप्पा को दिखाया। देखिए आप अपने स्क्रीन पर, ये देखिए दोस्तों, डायरेक्टर ट्रेजरी एंड अकाउंट डिपार्टमेंट हरियाणा चंडीगढ़ ने लेटर जारी किया है। किसको? डायरेक्टर जनरल हिप्पा, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुरुग्राम हरियाणा को। इसका लेटर नंबर TAHR 19/2022, यहाँ ये नंबर नहीं है, डेटेड है 8/8/2022। क्यों नंबर नहीं है? क्योंकि मेरे पास जो कॉपी पहुँची है वो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की कॉपी है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा चंडीगढ़ को कॉपी गई है और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा फाइनेंस डिपार्टमेंट FA ब्रांच को कॉपी गई है। इसका नंबर है ये 5122। इससे पहले के नंबर यहाँ पे लगे होंगे, लेकिन डेट जो है वो दोनों की सेम है, 8/8/2022। इसका सब्जेक्ट दोस्तों, कंडक्टिंग ऑफ हरियाणा स्टेट अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन Part 2 OB ऑर्डिनरी ब्रांच, दो होते हैं ना, एक LLD का एक OB का। LLD का पहले संपन्न हो चुका है, अभी जिसकी आप इंतजार कर रहे हैं OB की ऑर्डिनरी ब्रांच वाले एग्जाम की, उसका ये नोटिफिकेशन तो इसको नहीं कहेंगे, ये एक इंटीमेशन है। किसकी? डायरेक्टर ट्रेजरी एंड अकाउंट की तरफ से। किसको? डायरेक्टर हिप्पा के नाम के, जी एग्जाम कंडक्ट कराइए। और इसमें उन्होंने क्या कहा है कि अब सरकार ने निर्णय लिया है कि हरियाणा स्टेट अकाउंट सर्विसेज एग्जामिनेशन Part 2, ध्यान देना इस बात पे, ये Part 2 का एग्जाम करवाया जा रहा है केवल, ना के Part 1 का भी। पहले Part 1 और Part 2 दोनों के इकट्ठे का एग्जाम होते थे, लेकिन इस बार ये पहला मौका है जब ऐसी स्थिति आ रही है सरकार के सामने कि Part 2 का, केवल Part 2 का एग्जाम करवाया जाएगा। और ये एग्जाम लेगा कौन? हिप्पा। हिप्पा को कहा गया कि आप जल्दी से जल्दी एग्जाम करवाइए। और अंदाजन भी बताया कि प्रेफरेबली इन द मंथ ऑफ September 2022 में आप करवा दीजिए। लेकिन कितने का? जो कैंडिडेट Part 2 में एप्लीकेशन, जिन्होंने अप्लाई की हुआ है,
वो टोटल 107 नंबर एप्लीकेशन है दोस्तों, 107 एप्लीकेशन जो के T&A ब्रांच में रिसीव हो चुकी, ऑलरेडी पहले भेजी हुई है आपने, उन्हीं का एग्जाम होगा। और इन 107 एप्लीकेशनों के लिए उन्होंने कहा है, ये हिप्पा को कह रही है सरकार, हरियाणा सरकार कह रही है कि इन 107 एप्लीकेशनों का एग्जाम करवाइए, इसके लिए क्या होगा 3,000 रुपये पर कैंडिडेट के हिसाब से हरियाणा सरकार जो है हिप्पा को भुगतान करेगी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। और उसके लिए इन्होंने कहा है कि आप जल्दी से जल्दी इस बारे में नोटिफिकेशन जो होगी हरियाणा सरकार की तरफ से, कौन सी जो रूल में अमेंडमेंट होनी है जिसकी वजह से एग्जाम रुका हुआ था, कौन सा, हरियाणा स्टेट अकाउंट सबॉर्डिनेट ग्रुप सी सर्विसेज रूल में जो अमेंडमेंट करनी थी उसकी अमेंडमेंट अब 2022 में की जा रही है, अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। यही हिप्पा को कहा गया है कि हम जल्दी ही नोटिफिकेशन करके आपको उन 107 एप्लीकेशनों की सूचना दे देंगे। अभी ध्यान रख दो फिर इस बात पे कि अभी तो अमेंडमेंट होनी है, जब तक अमेंडमेंट नहीं होगी, मैंने पहले भी बताया था कि जब तक अमेंडमेंट रूल में नहीं होगी एग्जाम कंडक्ट कराने में दिक्कत है। अब भी वही बात लिखी है हरियाणा सरकार ने, हिप्पा को इंटीमेशन तो कर दी कि आप तैयारी करें, आगे कहा कि आपने किसको, हिप्पा को, कि आपने जो बुक्स हैं एग्जाम की वो भी अरेंज करनी पड़ेंगी, एग्जाम की बुक्स अरेंज करके जो है ना, वो किसको कहा, हिप्पा को, कि आप एग्जाम की बुक जो है ना वो अरेंज करें अपने लेवल पर, जो कौन सी बुक्स जो एग्जाम में अलाउड हैं वो कैंडिडेट को दी जाएंगी वहीं पे। और ये भी कहा कि ध्यान दो इस बात पे कि एग्जाम या तो गुरुग्राम में कराया जाए या पंचकुला में कराया जाए। अभी हिप्पा बताएगा कि एग्जाम कहाँ होगा, गुरुग्राम में होगा या पंचकुला में होगा। और साथ में ये भी कहा हिप्पा को कि जब इन इस एग्जाम की आंसर शीट की इवैल्यूएशन होगी उस समय जो सेंटर बनाया जाए इवैल्यूएशन के लिए उसमें CCTV सर्विलांस का प्रबंध हो और हिप्पा के कैंपस में ही हो और वहाँ पे कोई भी आउटसाइड से किसी प्रकार की आंसर शीट ले जाना बैन हो, इजाजत ना हो, वहाँ अलाउ ना किया जाए। और साथ में ये भी कहा कि हिप्पा जो है एग्जाम लेने के पश्चात जो रिजल्ट है 1 महीने के भीतर भीतर जारी करेगा। और इसके ये जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा, ये जो फिर रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, इसके लिए हिप्पा को कहा गया कि आपने ही लीडिंग न्यूज़पेपर में प्रकाशित करवाना है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, क्या कि एग्जाम का शेड्यूल क्या है और उसके रोल नंबर भी आपने ही इशू करने हैं। कहने का भाव है ट्रेजरी एंड अकाउंट जो पहले रोल नंबर इशू करता था वो हिप्पा ही करेगा, जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा वो ही रोल नंबर जारी करेगा और न्यूज़पेपर में भी छपवाएगा। ये ध्यान रखना, अभी तो ये मैंने अपनी ड्यूटी समझी कि आप लोगों को मैं सूचना दूं, हालांकि आपके पास ये सूचना पहुंच चुकी होगी, लेकिन इस लेटर को ओरिजिनल लेटर दिखाते हुए मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं कि एग्जाम तो अभी देरी से होगा, उम्मीद है अंदाजन सितंबर में हो, पर यह कोई गारंटी नहीं है क्योंकि जो सर्विस रूल हैं सेक्शन ऑफिसर के वो अमेंडमेंट होनी है, उनका नाम अलग रख दिया। ये जो बताया मैंने आपको कि हरियाणा स्टेट अकाउंट सबॉर्डिनेट ग्रुप सी सर्विस रूल 2022 इसमें अमेंडमेंट होगी तो एग्जाम होगा, क्योंकि यही शर्त लगी हुई है। पीछे जब कोर्ट केस हुआ था हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया हुआ कि हम जल्दी ही इसमें अमेंडमेंट करके एग्जाम करवा रहे हैं। और आगे एक और उदाहरण जारी करी है T&A डिपार्टमेंट ने, किसको, हिप्पा को, के जो सिलेबस है एग्जाम का और पेपर सेटिंग का जो क्राइटेरिया है, किस प्रकार का पेपर आपने सेट करवाना है वो भी भेजा जा रहा है सर, हिप्पा को भेज दिया गया है। तो एग्जाम का सिलेबस तो आपके पास है ऑलरेडी, पिछले साल जारी हुआ था और उसी के हिसाब से पेपर आएंगे, या आपने अभी से तैयारी
पहले जो कर ही रखे हैं, लेकिन अब फिर तुरंत जो है ना तैयारी में लग जाइए। इसीलिए जो है ना लास्ट में फिर ये कहा कि इसीलिए आपसे निवेदन है, कौन कह रहा है, डायरेक्टर ट्रेजरी अकाउंट हिप्पा को कह रहा है कि आपसे निवेदन है कि आप जो है ना ये जो ऊपर एग्जाम बताया है प्रायोरिटी बेस पे करवाइए और इनको इंटीमेशन दे दीजिए करवाने के पश्चात। तो अब आपके सामने प्रोबेबल डेट आ चुकी है सितंबर की, अगला महीना है, पर मुझे नहीं लगता अगले महीने पेपर हो क्योंकि अभी अमेंडमेंट होनी बाकी है। तो ये देखा दोस्तों आपने, हरियाणा सरकार ने हिप्पा को एग्जाम कराने की तैयारी करने के लिए कह दिया एसएस एग्जाम की पार्ट टू की केवल। इसलिए पहले भी मैं आपको कहता रहा हूँ कि आप तैयारी जारी रखिए, पता नहीं कब एग्जाम हो जाएगा, इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए। और अब तो आपके पास एक सुनहरा अवसर आ चुका है, प्रोबेबल डेट आ चुकी है, प्रेफरेबल डेट आ चुकी है कि सितंबर में होगा। आप इसी को मान करके कि सितंबर में एग्जाम होगा, इसको मान करके अपनी तैयारी पुरजोर से करें दोस्तों। और सभी के सभी 107 कैंडिडेट को मैं अभी से शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब एग्जाम में सफल हों और एसओ की नियुक्ति प्राप्त करें। वीडियो के अंत में दोस्तों मैं आपको ये बताना भी जरूरी समझता हूं कि जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में शार्ट आउट सब्सक्राइबर का नाम आपके सामने लिया, इसी तरह हमारा चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको सभी सब्सक्राइबरों को मैं सूचित करता हूँ कि मेरे हर वीडियो के साथ एक ज्वाइन बटन दिया हुआ है। आप जब उस ज्वाइन बटन को क्लिक करेंगे आपके सामने मेरे YouTube चैनल के सभी प्लान प्रकाशित होंगे। 4 प्रकार के प्लान हैं, आप उसमें देखिए। मेंबरशिप की मेंबरशिप फीस है, उसमें क्या सुविधाएं मिलेंगी वो अंकित है। और इसके अलावा मेरे चैनल को यदि कोई सहयोग करना चाहता है आर्थिक तौर पर तो वो मेरे चैनल को सहयोग कर सकता है। कैसे, थैंक्स बटन आपको दिखाई देगा, उसको जब आप प्रेस करेंगे उसको प्रेस करके आप मुझे सहयोग भी कर सकते हैं। ये आपकी ऑप्शनल है, कंपलसरी किसी का नहीं है, प्लान लेना भी कंपलसरी नहीं है। मेरे सभी वीडियो आपके लिए फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप इसी तरह मेरा उत्साहवर्धक करते रहिए, मेरे वीडियो देखते रहिए, मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो और भी ला के दे रहा हूँ। मैंने एसएस एग्जाम के पहले भी कैश बुक पर वीडियो दिए हैं, पीडब्ल्यू अकाउंट पर वीडियो दिए हैं और कॉन्ट्रैक्टर बिल पर वीडियो दिए हैं दोस्तों। और एसएस के एग्जाम में जो जितनी भी सीएसआर के मेन जो पॉइंट्स हैं उन सब पर मैंने आपको वीडियो दिया है। हरियाणा सिविल सर्विस रूल पर दिए हैं, पे फिक्सेशन पर दिया है, एसीपी रूल पर दिए हैं, उसमें भी आपको दक्षता प्राप्त हो चुकी होगी। और एसएस से संबंधित और भी अब तो मेरे सामने आ गया कि पार्ट टू का एग्जाम है, तो दोस्तों आपके लिए भी मैं वीडियो जल्दी से जल्दी और भेज रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अंत में मैं ये कहूँगा कि यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और जो मेरे चैनल से अभी जुड़े हैं वो तुरंत मेरे चैनल को बेल आइकॉन का बटन प्रेस करके सब्सक्राइब करें दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।